सर क्यों निकाला आपको स्कूल से, क्या वजह थी, और आपके दोनों बच्चों को क्यों निकाला बाहर और आपको भी बाहर निकाला? सर मार्च महीने जब लॉकडाउन हुआ, मेरी दीदी को लेके घर में प्रिंसिपल, उन्होंने बोला चलो दो तीन दिन मेरे घर में चलो काम करने के लिए, उसके बाद मैं आपको भेज दूँगी, बच्चों को भी लेके साथ में। और ये कोई बीमार, मेरी दीदी उधर जाके बीमार हो गई, इसने उन्होंने काम करवाया इतना कि बीमार हो गई, इनको इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। और जिसने बोला मैम मेरे को सर दर्द हो रही है, मैंने दवाई लेने जाना, उसने बोला अब नौटंकी मत करो, अब काम करने आ रहे हो काम करो, आप मैं आपको काम करने के लिए लाया, मैं आपको घूमने के लिए नहीं लाया है, और आप काम करो। उसके बाद ये आगे दूसरे दिन एक दिन क्या किया, खाना बना रहे थे, उसने क्या किया प्रिंसिपल ने इसके पास कड़छी जोर से मारी, वही डर गई, डरे मारे हुए इसने दूसरे दिन आ गई इधर से, मेरे को फ़ोन किया उन्होंने है कम आपकी बीवी चला गई, मैंने किया फ़ोन। और उसके बाद रात को 9 बजे प्रिंसिपल रजनी मैडम, एक माई है शकुंतला, ये दोनों आए मेरे को उधर स्कूल, स्कूल में आके इन्होंने ऑफिस में जाके कैमरे बंद किए, उसके बाद मेरे से चाबियां ली, मेरे को गेट के बाहर कर दिया। कितने लोग थे आप लोग जो निकाला है, आपके बच्चों को भी निकाला है? मेरी दो लड़कियाँ हैं, एक मेरी बीवी है, 4 लोग हैं। तो 2 साल हुए हमने काम करते हुए, और 2 साल के बाद जब लॉकडाउन हुआ उन्होंने हमको निकाल दिया, नहीं पैसा दिया, नहीं बच्चों को काम दे रहे हैं, और वो बोल रहे हैं हम बच्चों को काम नहीं दे रहे हैं, बच्चों को काम भी दे रहे हैं बाकी वालों को, और मेरे वालों को बोल रहे हैं आप हमने निकाल दिया स्कूल से, आप दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा लो। कौन सा स्कूल है, क्या नाम है मैडम? इलाइट पब्लिक हाई स्कूल, ओम नगर, उदयपाल, जम्मू, और माला शर्मा। आंटी केड़ा स्कूल हा ते केड़े तोही स्कूल कड्या ते कैली कड्या ते के मैडम दा नाम ते के स्कूल दा? इलाइट पब्लिक स्कूल ओम नगर उदयवाल जम्मू माला शर्मा। आज काम कर दे स्कूल च, माइया दा काम नहीं करदी ते मेरे हस्बैंड कर दे चौकीदारी स्कूल च। जिल्लै लॉकडाउन होआ तो उस बाद जिल्लै स्कूल च छुट्टियां पईयां ते मैडम अपने घर दे गई, उसके बाद मैडम बोली 4-5 दिन दा करोना, ते मैं हो गई 10 दिनों के बाद मैं आई, मैं मैडम जी बोलिया मैडम जी मेरे से नहीं काम हो रहा, तो मैंने उधर जाना, जाऊँ को बुलाओ तो मेरे से इतना काम नहीं हो रहा, तो मैडम बोलती काम करने लाया मैंने आपको, तो काम करो, चलाकी मत करो, तो मैंने फ्री के पैसे थोड़े देने आपको सैलरी, तो आप काम करो, तो आपको कुछ नहीं है, ये छोटी मोटी बीमारियाँ सबको, सभी दवाइयाँ खा रहे हैं तो सबको चल रही है बीमारी। तो फिर मैंने एक दिन निकाल दिया, दूसरे दिन उनकी छोटी वाली बेटी भी आई थी, तो उनके 2 बच्चे हैं, तो बड़ी बेटी के भी 2 बच्चे आए थे, तो मेरे से खाना, तो उनको मेरा खाना भी पसंद नहीं आ रहा था, तो कभी बोलते ऐसे बना रही है, कभी जैसे मेरे को जा जाती थी तो मैं ऐसे बना के देती थी उनको, उनको मेरा खाना भी पसंद नहीं आ रहा था, तो मेरे से झाड़ू पोछा का भी काम करवाते थे, किचन में भी साफ़ सफाई सारा मेरे से इतना काम नहीं हो रहा, क्यों मेरे को है माइग्रेन की प्रॉब्लम, ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, ज़्यादा उन्होंने मेरे से मेरे सिर पर डिप्रेशन हो गया, तो मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हो गई। उसके बाद मैं आ गई दूसरे दिन, मैंने नहीं बताया मैडम को, मैंने काम अपना जोड़ा झाड़ू पोछा का काम खत्म किया, खाना खुना बनाया दोपहर का, सुबह का नाश्ता, तो मैं आ गई 3:30-4 बजे उधर से, तो मैंने फिर दवाई ली, इंजेक्शन करवाया, तो उसके बाद मैं गाड़ी भी नहीं थी, मैं पैदल आ गई 5:30-6 बजे मैं स्कूल तरफ पहुँचने लगी, तो मैंने इनको फ़ोन किया, तो ये बोलते हैं मेरे मैडम को फोन, मैडम का फ़ोन आया, तो मैडम बोलती कमलेश मेरे घर से आ गई, तो आप भी चले जाओ, तो फिर ये बोलते तू ऐसा कर दीदी को फ़ोन कर, मेरी बहन को फ़ोन कर, तेरे को ले जाती है उधर, तू कहाँ जाएगी, छोटी बच्ची हैं, तो मेरी ननंद रहती है जम्मू, मेरे ननोइया गाड़ी चलाते हैं, वो आए तो मुझे ले गए जब उधर जम्मू, तो मैंने 1-2 दिन काटा उधर, तो 3rd दिन मैंने सामान लाया, तो मुझे बोलते सामान भी लाना स्कूल से, तो देख अपना सामान आकर, तो फिर उसके बाद हम अपना कमरा ढूंढने लगे, एक दिन हम किसी घर में ऐसे रहे, तो फिर हमने कमरा ढूंढा, अंकल जी भी दे नहीं रहे थे, इस टाइम कोई नहीं देता कमरा, तो फिर भी इन्हें मेरे मेरी बेटियों को देखा, छोटे बच्चों को देखा, तो बहुत ही दर्द हो रहे हैं, तो हम कहाँ इनको स्कूल से निकाल दिया, तो हम इनको कहाँ करेंगे, तो अंकल जी बोलते मैं पहले अपनी बेटियों को पूछ लेता हूँ सबको, तो इस टाइम किस कोई भी नहीं दे रहा, नहीं जाने दिया रहा था अपने घर पर कोई नहीं,
फिर अंकल जी ने हमें अपने घर पे रखा, तो कमरा दिया। उसके बाद अंकल जी ने हमें रेडी लेके दी। उसके बाद सब्जी का काम उनको डाल के दिया, तो बोलते अपना बिजनेस कर, तो गुजारा कैसे करना तूने, तो दो बेटियां तू कहाँ से खाएगा। तो ना हमारे पास पैसा था, हम गरीब बंदे हैं, तो ना मेरे हस्बैंड को सैलरी मिली है, तो मेरे को नहीं देते सैलरी। मैं बोलते तेरी बेटियां हम पढ़ा रहे हैं फ्री, तो मेरे को नहीं देते सैलरी। काम मेरे से पूरा करवाते थे स्कूल में, किचन का। कितनी जगह काम करवाते थे, स्कूल भी और घर भी? घर पे भी करवाते थे और स्कूल में भी करवाते थे। मेरे को किचन का भी दिया था, साफ सफाई का भी दिया, क्लास का भी दिया था, ऑफिस का काम दिया था, चार पांच छह काम दिए थे। तो उसके बाद जब एक दिन छुट्टी होती थी तो घर बुला लेते थे, हम चले जाते थे। तो उसके बाद हमने सोचा एक दिन में चलो कुछ नहीं होता काम, जब हमें परमानेंट लेने लगे तो नहीं इतना काम, हम स्कूल भी करें। हमें चौकीदारी दी थी, हमें चौकीदारी की बात हुई थी, तो हमने स्कूल की चौकीदारी की करनी थी, तो घर लेके चले गए हमें। तो मैंने मैडम को बोला, मेरे से कहा, इतनी सी छोटी सी बात में मैडम ने गुस्सा करके मेरे बच्चों को दटबर कर दिया। इतनी सी छोटी सी बात, मैडम ने सोचना था कि मैंने इतना काम, जो काम मैं बोलती थी वो करते हैं, शरीफ हैं हम, उधमपुर से आए थे, हमें बुलाया था तो हम इधर आए चौकीदारी करने। जो जिसको चौकीदारी दी जाती ना सर, उसको घर पर कोई नहीं लेता। जो जो अपने स्कूल में रखते हैं ना, वो घर पर कोई प्रिंसिपल अपने घर पर नहीं लेता। हमें लेते थे कि हम सोते थे हमारी माँ की तरह, हम उनको माँ की तरह समझते थे, हम उनको कभी जवाब नहीं देते थे। लेकिन उन्होंने आपके बच्चों को, मेरे बच्चों को उन्होंने दर्द भर कर दिया, स्कूल से बाहर कर दिया। अभी इस टाइम आप देखो तो मैं कहाँ डालूँ, मेरे बच्चे की पढ़ाई बर्बाद हो रही है, मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मेरे बच्चों जो आता था मेरे बच्चों को सब भूल गया। मैं टेंशन में पड़ी, मैं कहाँ जाऊँ, कौन से स्कूल में डालूँ। बच्चों को दो दो लेसन हो गए, तीसरा लेसन चल रहा, बच्चों का जू वन टेस्ट शुरू हो गया। मेरे क्या मांग करना चाहेंगे गवर्नमेंट से, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी यही है कि गवर्नमेंट से प्रार्थना यही है कि मेरे बच्चों को स्कूल में उनकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, बस मेरी प्रार्थना यही है। ओके।